हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरुजी। इस वीडियो लेक्चर में हम बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के मैथ पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो अनुपात और समानुपात से संबंधित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ संपूर्ण हल की भी बात करेंगे। ये वीडियो मेरे द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, मेरा नाम है चंदन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है अनुपात। अनुपात जनरली कुछ और नहीं है, ये एक गणितीय व्यंजन है, गणितीय व्यंजन है जिसके द्वारा संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब वो प्रदर्शन जो होता है वो प्रदर्शन हमेशा समान इकाइयों के मध्य होता है, समान इकाइयों के मध्य, लेकिन किसके लिए, तो तुलना करने के लिए। अब समान इकाई का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु, तो जाहिर सी बात है दो व्यक्ति होंगे तभी तो हम तुलना कर सकते हैं, व्यक्तियों की आयु यानी कि वर्ष में, व्यक्तियों का भार यानी कि किलोग्राम में, दूरी यानी कि किलोमीटर में। तो ये सब हो गई समान इकाई। अब इनकी तुलना करना, जैसे कि तुलना करना कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, या फिर कौन सा किसका भाग कितना है। जैसे कि जो राम, जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं कि राम के पास कुछ रुपए हैं जो कुल रुपए का दो हिस्सा है, और श्याम के पास कुछ रुपए हैं जो कुल रुपए का तीन हिस्सा है। तो ये हो गया अनुपात राम और श्याम के धन का, दो संबंधे तीन। इसको संबंधे भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं दो अनुपात तीन, या दो रेशियो टू रेशियो थ्री। ठीक है, पढ़ने का ये तरीका है। तो ये हो गया अनुपात। अब जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया ए और इसको लिया बी, और दोनों को अनुपात के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया, ठीक, रेशियो के द्वारा जोड़ दिया। तो इसमें जो पहला पद आता है, चूंकि ये पहले आया है तो इसको हम कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक, और ये बी वाले को हम कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक, तो नाम याद रखना है पूर्व पद और अंतिम पद, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक, अब ये जो अनुपात है वो कोई जरूरी नहीं है कि दो और तीन के रूप में हो, ये पूर्णांक भी हो सकता है। पूर्णांक हालांकि तीन प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य में सिर्फ शून्य आता है, ऋण में जैसे कि -2, -5, और धन में हो गया जैसे कि 2, 10, 15, ये धन पूर्णांक हो गया। तो कहता है पूर्णांकों का अनुपात, जैसे कह सकता है कि -2:3 या -10:-11। ठीक, धन पूर्णांक के रूप में भी हो सकता था कि 2:5। तो कहता है कि जो हमारा अनुपात है वो पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है और भिन्न के रूप में भी, भिन्न के रूप में भी हो सकता है। अब भिन्न के रूप में कैसे, जैसे कि 2:3:5, ये भिन्न के रूप में हो गया। तो हम अनुपात को इसके भी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अनुपात के बाद से हमारा दूसरा टॉपिक आता है समानुपात। ठीक, अनुपात के बाद से दूसरा आता है समानुपात। कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो अनुपात हैं, जैसे कि ए संबंधे है बी और दूसरा है सी संबंधे डी। अब किसी तरह ये दोनों अनुपात अगर बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो इसे ही हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि ये दोनों अनुपात किसमें हैं, दोनों अनुपात समान है, इसलिए ये बन गया समानुपात। नाम से भी क्लियर है कि समधन अनुपात, यानी जो अनुपात समान हो वही क्या कहलाते हैं, समानुपात। यानी दो अनुपात जो समान होते हैं उनको समानुपात कहते हैं, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए एक हम विशेष सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। समानुपात के लिए ऐसे दो अनुपातिक चिन्ह को एक साथ रख के प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर ये दोनों ए संबंधे बी या सी संबंधे डी दो अनुपात था और दोनों समानुपात बन गए, तो इनको हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो चिन्ह है वो चिन्ह है समानुपातिक चिन्ह। ठीक है,
अब इसमें भी जैसे कि वहां बाह्य पद और अंतिम पद होता था, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहला पद है और अंतिम पद है, पहला पद है अंतिम पद है, इसको हम कहते हैं बाह्य पद। ठीक है, बाह्य पद यानी कि एक्सट्रीम्स, इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक, और इस बीच वाले पद को, जाहिर सी बात है भाई बीच में है तो मध्य पद, मध्य पद यानी कि मीन्स। ठीक, यानी कि अंदर वाले पद को मीन्स कहेंगे और बाह्य वाले पद को बाह्य पद। इसको क्रम भी हम दे सकते हैं, 1 2 3 4 कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे वाली संख्या को हम कहते हैं मीन्स और पहले और चौथे वाली संख्या को कहते हैं बाह्य पद। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे हमने लिखा कि ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी, ऐसे ही पढ़ते हैं, ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी, जिसमें डी जो है वो चौथे नंबर पे है, तो इस चौथे नंबर पे होने के कारण इसको हम कह देते हैं चतुर्थानुपात। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछे कि चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि चौथा पद हमको ज्ञात करना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इसको गणितीय रूप में क्या कहते हैं? जैसे अनुपात था, जैसे हमने लिख दिया ए संबंधे बी, तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है, हमने बोला कि एक गणितीय व्यंजन है जिसके द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब इसका गणितीय रूप की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ए बटा बी। ऐसे ही ये समानुपात है, समानुपात को भी हम गणितीय रूप में बदलेंगे, तो देखिएगा पहले अनुपात है यानी कि ए बटा बी हो गया। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, समानुपात को हम कह रहे हैं ना कि बराबर जो होता है तभी समानुपात होता है, यानी कि हम बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सी संबंधे डी या सी अनुपात डी, तो उसको हम लिख सकते हैं सी बटा डी। अब इसको हल करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए के साथ गुणा होने के लिए आ गया डी और सी के साथ गुणा होने के लिए आ गया बी। ठीक है, तो ये भी एक रूल बन जाता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बन गया। रूल ये है कि ए और डी, देखिएगा जरा, ए और डी जो है वो बाह्य पद हैं और बी और सी जो है वो मध्य पद हैं, यानी कि समानुपात में, किसी भी समानुपात में जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो बाह्य पद है उसका गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल से। ठीक है, मध्य पद के गुणनफल से। ये जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपके सेमेस्टर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप सी टेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी अदर टेट की, किसी भी स्टेट के अगर टेट के एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा समानुपात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सतत समानुपात। सतत समानुपात, ठीक है, सतत समानुपात को हम कहते हैं कंटिन्यूड, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, सतत समानुपात को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस सतत समानुपात को ही हम संलग्न समानुपात कहते हैं, याद रखिएगा, आपके बुक्स में सतत समानुपात ना देके संलग्न समानुपात दिया होगा, संलग्न समानुपाती, पाती कहे या समानुपात कहे एक ही है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कहता है कि मान लीजिए जैसे हमारा समानुपात था ए संबंधे बी समानुपात हो गया सी संबंधे डी। अब किसी कारणवश ये बीच के जो पद हैं यानी द्वितीय और तृतीय पद जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएं, तो हम क्या बी और बी लिख दें, बराबर हो गया, जैसे सी जो है वो बी के बराबर हो गया, तो जो नया अनुपात बनेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, नया समानुपात, सॉरी, नया समानुपात बनेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है,
हालांकि किसी बुक में डी के बजाय सी दे दिया होगा, तो उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन पर्पस जो होना चाहिए, क्वालिटी जो बताता है सतत समानुपात या संलग्न समानुपात का, कि ये मध्य का पद जो है वो बराबर होना चाहिए। बाकी जो सिंबल्स है कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमारा जो बीच का, अगर ये बी है तो ये बी होना चाहिए, ये अगर सी है तो सी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए, बस ये हमें याद रखना है सतत समानुपात के लिए। तो ये जो प्रदर्शन है समानुपात का, यही कहलाता है हमारा सतत समानुपात, ठीक। लेकिन जब इसको गणितीय रूप में बदलते हैं तो इसका रूल निकल के बाहर आता है। जैसे कि ये हो गया a बटा b बराबर, समानुपात को हम बराबर से दिखा दिया, और b बटा d। अब इसका भी आप तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा a गुणे d बराबर b गुणे b। तो a गुणे d को ही हम AD ही रहने देते हैं और B गुणे B को हम लिख देते हैं B स्क्वायर। तो ये रूल बन के आता है कि जो बीच वाला जो पद है यानी कि B स्क्वायर है, वो AD के बराबर होता है, यानी कि जो बाह्य पद होता है एक्सट्रीम्स होते हैं उसके बराबर होता है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि B बराबर कड़ी में AD, ठीक है। याद रखिएगा किसी बुक में देगा B बराबर होता है करड़ी में AC के, क्योंकि वहाँ D के जगह उसने C ले रखा है, इसलिए ऐसा सिंबल्स आता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है। इतना याद रखिएगा कि जब भी सतत समानुपात में मध्य पद का मान पूछता है तो वो करड़ी में दोनों बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और इस B को ही हम कहते हैं मध्यानुपात, ठीक है। इस B को ही हम क्या कहते हैं, मध्यानुपाती, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। कभी भी अगर प्रश्न में पूछता है मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, तो हमको यही फार्मूला निकालना है, बी इक्वल टू रूट ए बी, ए मतलब प्रथम पद, बी सॉरी डी है ए डी, डी मतलब अंतिम पद जो चौथा पद होता है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जो तीसरी राशि है वो पहली और दूसरी राशि का तृतीयानुपाती कहलाती है। जैसे कि तृतीय राशि कहने का मतलब एक दो तीन से नहीं है, यहाँ हमने ए लिया है, बी लिया है और डी लिया है, ठीक है, डी लिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अलग अलग राशियाँ ली हैं वो कह रहा है, ठीक। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर पूछ दे आपसे कि तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, कुछ प्रश्न इस प्रकार हो, आपका प्रश्न हो जैसे कि ए संबंधे बी समानुपात बी संबंधे हो जाए एक्स, ठीक है। देखिएगा एक पद है, दो पद है और तीन पद है, अलग अलग कितने पद हैं, तीन पद हैं। तो इस तीसरे वाले पद को है तो पोजीशन के, देखिए स्थान के आधार पे तो चौथा है, लेकिन अगर अलग अलग सिंबल प्रतीक की अगर बात करें तो ये तीसरा प्रतीक है, तो इस तीसरे प्रतीक को ही हम कहते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है। इस तीसरे पद को ही हम क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती कहते हैं, ठीक। अगर इसका मान निकालना है तो आपको पता है ना कि बीच में अगर दोनों पद ये बराबर हो जाएं तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल। तो यहाँ एक्स का ही तो मान ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर हम कर सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए, ये निकलता है तृतीयानुपाती। तो याद रखिएगा संलग्न समानुपाती या सतत समानुपाती में ही दो बहुत महत्वपूर्ण रूल निकल के आते हैं, एक तो मध्यानुपाती जो कि b बराबर कड़ी में ad है, और दूसरा तृतीयानुपाती जो x बराबर b स्क्वायर बाई a है, ठीक है। अब यहाँ हमने d ले रखा है, यहाँ x ले रखा है, तो आप ये x को d बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x को आप d बना सकते हैं। तो इस d को ही हम क्या कहेंगे, तृतीयानुपाती कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विलोमानुपाती, विलोमानुपाती, ठीक। विलोमानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स रेशियो यानी कि विलोमानुपाती। अब कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई अनुपात हो, जैसे कि m अनुपात है n, ये कोई अनुपात है हमारे पास, तब अगर इसके द्वारा हम किसी भी कंडीशन में कुछ ऐसा लिख दें
तो यही हमारा कहलाता है विलोमानुपाती, यानी कि विलोम। जैसे कि m का विलोम 1/m, n का विलोम 1/n, तो इसको अगर अनुपात के द्वारा हम जोड़ दिए तो यही क्या बन गया हमारा, विलोमानुपाती हो गया। जैसे कि प्रश्न पूछता है दो संबंधे तीन का विलोमानुपाती है, का विलोमानुपाती है, तो आप आंख बंद करके 1/2 संबंधे 1/3 लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, ये हो गया विलोमानुपाती।